a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्पिंग सनी आर्या में। आज मेरे साथ मौजूद है मेरी धर्मपत्नी दीपिका आर्या। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बच्चे की जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है और बच्चे का माइंड है, मतलब मैं यार हैरान हूँ। मेरे को जब क्लिप देखने को मिली ना तो मैं सच में मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार ऐसे बच्चे भी हमारे देश के अंदर है। दीपिका 8 साल उम्र है बच्चे की गुड़िया, से फॉर्मूला जानता है वो भी, मतलब हमें नहीं लगता हम 12 तक भी इस तरीके से अपनी चीजों राइट 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 नहीं। आप भी हैरान हो जाओगे वीडियो देखकर, मतलब बच्चे की उम्र 8 साल है, तीसरी क्लास में बढ़ता है और 12वीं क्लास के बच्चों के उसको फॉर्मूला याद है। मैं इस वीडियो में उस बच्चे के साथ इसलिए नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे को मना किया था कि आप घर पे ना जाइए, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप उनसे वीडियो मंगवा लीजिए। चल के देखिए वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये बताओ आपका नाम क्या है? माई नेम इज अमन चौधरी। नहीं आप हिंदी में ही बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और आपके पिता का नाम? माई फादर नेम इज सुमन चौधरी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? माई स्कूल नेम इज बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पढ़ता है? द्वारका सेक्टर 12। अच्छा तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में, अच्छा आप देखिए। अच्छा ये बताओ जो क्या आपको मैथ्स का सारा फॉर्मूला आता है? यस। मतलब क्लास 7 8 9 10 11 12 सब? यस। तो पहले हम पूछते हैं थोड़ा अलजेब्रा का, और अगर हम कहीं कहीं अलग से पूछते हैं कर सकते हो सब कुछ? यस। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। और मैं करंटली पूछूं सब कुछ स्पीड से? ठीक है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अच्छा आराम से, और जरा एक बार चलते ट्रिग्नोमेट्री में। sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. अच्छा sin theta is equal to p by h. cos theta is equal to b by h. tan theta is equal to p by b. sin 0 degree 0. sin 30 degree 1 upon 2. sin 45 degree 1 upon root 2. sin 60 degree root 3 by 2. sin 90 degree? sin 90 degree 1. अच्छा cos 0 degree? 1. cos 30 degree? cos 30 degree is equal to root 3 by 2. cos 45 degree? 1 upon root 2. cos 60 degree? 1 upon 2. cos 90 degree? 0. मैं चाहता हूँ थोड़ा 11 12th का में। sin a plus b? is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. cos a plus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. तो चलते हैं और स्टैंडर्ड में। sin derivative of sin x is equal to cos x. derivative of cos x is equal to minus sin x. derivative of tan x sec square x. derivative of cos x minus cos x into cot x. थोड़ा इंटीग्रल सोच लेते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ sin x is equal to minus cos x plus c. अच्छा मैथ के साथ साथ साइंस भी आता है क्या? जब उतना तो एलिमेंट्स का ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। नोबेल गैस का नाम फटाफट। नोबेल गैस का नाम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन। हैलोजन गैस का नाम हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन। एक बार बताओ तो रेडियो एक्टिविटी सीरीज पूरा। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताओ जो tan 0 डिग्री 0 tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा एरिया ऑफ सिलेंडर? No, area of circle is equal to pi
ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल? हां पेरिमीटर, पेरिमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू r into pi plus 2। अच्छा ये बताओ आप अपना नाम क्या बताया आपने? माय नेम इज अमन चौधरी। हिंदी बोल सकते हो? और ये सब आपको किसने सिखाया? मेरे फादर ने। अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? माय स्कूल नेम इज बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिस्टर कुणाल गुप्ता। ओके थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको भी झटका लगा कि बच्चा एक के बाद एक कैसे, मतलब यार इतनी ज़बरदस्त बच्चे की रफ्तार और बच्चे का माइंड एक के बाद एक आंसर देना, हम तो हैरान हैं। आप अपने कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है ये बच्चा आगे जा सकता है तो वीडियो को शेयर करना, आपका एक शेयर ही बच्चे की लाइफ बदल सकता है। हमारे देश में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको आगे ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता, वीडियो बना नहीं पाते, आगे शेयर नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी, मैं बताना चाहूँगी कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक शेयर करोगे किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुँच गई जिसको, जो ऐसे बच्चों को नीड है, करना चाहता है और इवन ऐसे बच्चों को ढूंढता है कि मेरे को ऐसा कोई बच्चा मिले और मैं उसकी लाइफ को बदल सकूँ, तो वो आपके शेयर से ही पॉसिबल है। सो प्लीज कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।